मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सेक्शन ए एंड बी के लिए सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन डेविएशन। यहां से प्रॉब्लम है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। साइज ऑफ वैगन दिया हुआ है 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28 और 43। और ये कौन सी सीरीज है? ये है सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज का प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या दिया है? साइज ऑफ वैगन दिया हुआ है 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28 और 43। और बोला है कैलकुलेट करने के लिए बोला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हमने इसको एक्स कंसिडर किया या फिर साइज ऑफ वैगन लिख सकते हैं, इसको सीरियली हमने लिख लिया। ठीक है, अब सीरियली लिख लेने के बाद सेकेंड कॉलम हमने प्रिपेयर किया डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू लेते हो, इसमें से कौन सी भी वैल्यू लेना है, कौन सी भी वैल्यू ली तो आंसर वही आएगा। हम 25 लेते हैं, डीएक्स की वैल्यू 25 ली। मीन आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 18 माइनस 25 माइनस 7, 21 माइनस 25 माइनस 4, 22 माइनस 25 माइनस 3, 23 माइनस 25 माइनस 2, 25 माइनस 25 0, 26 माइनस 25 प्लस 1, 28 माइनस 25 प्लस 3, 28 माइनस 25 प्लस 3 और 43 माइनस 25 प्लस 18। ठीक है, यह इक्वल टू ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इक्वल टू 9। समेशन dx इक्वल टू माइनस माइनस के अलग टोटल की प्लस प्लस के अलग टोटल की, तो बचते हैं प्लस 9। ठीक है, अब इतना होने के बाद हमको पहले मीन कैलकुलेट करना है। नंबर वन मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या है सिंपल सीरीज का, ए इक्वल टू एक्स प्लस समेशन टी एक्स अपॉन यंग। ए इक्वल टू एक्स कितना एज्यूम किया है 25 प्लस समेशन टी एक्स कितना है, समेशन टी एक्स है 9 डिवाइडेड बाय यंग कितना है 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 ए इक्वल टू 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 1, ए इक्वल टू 26। या फिर बोल सकते हैं कि मीन इक्वल टू 26। अब मीन कितना आया है 26। अब मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने और एक कॉलम बनाया डीए। मीन कैलकुलेट करने के बाद में कॉलम बनाया है डीए। अब डीए कितना है, मतलब ए 26, ये 26 यहां पे। ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के बाद में हमने डीए कॉलम बनाया, इक्वल टू कितना आया है ए 26, लिखे 26। फिर से वही करना है 18 माइनस 26 माइनस 8, 21 माइनस 26 माइनस 5, 22 माइनus 26 माइनस 4, 23 माइनस 26 माइनस 3, 25 माइनस 26 माइनस 1, 26 माइनस 26 0, 28 माइनस 26 प्लस 2, 28 माइनस 26 प्लस 2, 43 माइनस 26 प्लस 17। अब यहां पर इसकी टोटल जो है उसको लिखना है समेशन डी ए। यहां पर प्लस माइनस साइन इग्नोर, प्लस माइनस कंसिडर नहीं करना, इसकी सीधी टोटल लेना है। तो वो टोटल कितनी आती है समेशन डी ए इक्वल टू 42। ये माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है, सीधी इसकी टोटल लेना है और प्लस करना है समेशन डी ए इक्वल टू 42। इसलिए हमने लिखा प्लस माइनस 42। ठीक है, तो अब क्या करना, कैलकुलेट करना है नंबर टू में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन मीन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू समेशन डी ए अपॉन एन। डेल्टा ए इक्वल टू समेशन डी ए, समेशन डी ए कितना आया है 42 डिवाइड बाय एन कितना है हमारा 9 इक्वल टू 4
7, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया है 4.67। अब पूछा नहीं है लेकिन पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट भी हम निकाल लेते हैं। क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए कितना निकला है 4.67 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना है 26, कितना है 0.18। यानी पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन आया 26, ठीक है, उसके बाद में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया, वो आया 4.67 और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने कैलकुलेट किया, वो आया 0.18। अब ध्यान में रखना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले हमको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने पहला कॉलम लिख लिया, दूसरा कॉलम dx यानी x की वैल्यू हमने एज इट इज 25, ये दो कॉलम होने के बाद में हमने मीन कैलकुलेट किया y 26, फिर हमने dA कॉलम प्रिपेयर किया, ये कितना था 26, फिर से हमने इसमें से माइनस लिया, क्या है d A कॉलम, इसकी टोटल समेशन लिए, यहाँ पर प्लस माइनस साइन इग्नोर करने हैं, उसके बाद में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया, फार्मूला लिखा डेल्टा ए इक्वल टू समेशन डीए अपॉन एन, डेल्टा ए इक्वल टू समेशन डीए कितना है 42, एन कितना है 9, वो कितने 4.67। फिर क्या कैलकुलेट किए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फार्मूला क्या है डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन एन, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए कितना है 4.67 डिवाइडेड बाय मीन यानी ए वाई 26, डिवाइड करने के बाद टोटल आई 0.18। तो ये ध्यान में रखना है, ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में आपके, तो वो पीडीएफ में जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है उसको भी अच्छे से देख लेना है और खुद कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।